बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से लाल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहें। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंद केश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए, बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है, कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, विदल उत्पल आ गए, ये वो असुर है विदल उत्पल,